Hello everyone. In this lecture, I am going to solve first 10 problems of KBBY 2019 exam essay stream. And here is your first problem. And in this problem, we have given an equilateral triangle whose side length is A, and capital R and small r denote the circumradius and in radius of the triangle. Then as a function of A, we have to predict the ratio R upon R. Okay, this is a very, very basic question. I think everyone is familiar about this relation. Everyone is familiar about the relation, this inequality R is greater than equal to 2R. किसी भी ट्राइंगल में ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करती है, और इसमें इक्वालिटी कब आती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में. फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो सर्कम रेडियस हमेशा इन रेडियस की डबल होती है. इंप्लाइज आर वाई आर इक्वल टू वॉट टू. तो यहाँ से तुम लोग बोल सकते आर वाई आर हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा. इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी. ठीक है ना. इन केस अगर आप इसका डिटेल में प्रूफ देना चाहते हैं और आप इस रिजल्ट से यूज टू नहीं है, तो भी बहुत सारी और भी अप्रोचेस हैं. जैसे मैंने एक ट्राइंगल ए बी सी बना लिया और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में इन सेंटर और सर्कम सेंटर सेंटर सारे कंसाइड कर जाते हैं, क्योंकि ये जो लाइन ए डी है ये लाइन एल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है. तो ये आपका जो सेंट्रॉइड है ये सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है, और ये सेंट्रॉइड भी है, और यही पॉइंट जी क्या बन जाएगा? आपका सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर बन गया तो ये जो लेंथ ए जी दिख रही है यही लेंथ क्या बन जाएगी? कैपिटल आर, है ना. और ये जो लेंथ दिख रही है जी डी, ये क्या बन जाएगा? स्मॉल आर. तो आर अपॉन आर को आप लिख सकते हैं ए जी बाई जी डी, और आप जानते हैं मीडियन 2:1 में डिवाइड करती है, तो यहाँ से भी निकाल लिया. और इन टोटली इंडिपेंडेंट प्रूफ चाहिए तो कैपिटल आर आप निकाल सकते हैं, साइन रूल से निकाल सकते हैं. 2R इक्वल्स टू ए अपॉन साइन ए, तो यहाँ से आपको साइन रूल की हेल्प से आप कैपिटल आर निकाल लेंगे, एंड आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस स्मॉल आर यहाँ से निकाल लेंगे, तब भी आर बाई आर आपको मिल जाएगा. ठीक है ना. तो बहुत ही बेसिक, हार्डली 5 to 10 सेकेंड वाली प्रॉब्लम थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट बी बी नॉन जीरो रियल नंबर, सपोज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. देन तो सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर एक प्रॉब्लम है. तो एक क्वाड्रेटिक गिवन है और इसके बोला गया दो डिस्टिंक्ट रूट हैं. तो क्वाड्रेटिक रूट अगर डिस्टिंक्ट है देन डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव. डी पॉजिटिव होना पड़ेगा. डी निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 to the 8 इंटू 1/b, दिस क्वान्टिटी मस्ट बी पॉजिटिव. तो बी क्यूब माइनस 8/b, ये क्वान्टिटी पॉजिटिव होनी चाहिए. ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर कर देते हैं, तो बी माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2b/b ग्रेटर देन 0. ठीक है ना. बट लुक एट दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. यार इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3. इट मीन्स ये पूरा एक्सप्रेशन b की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, और अगर हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है तो इसको मैं इनइक्वालिटी से डिलीट कर सकते हैं. बी माइनस 2/b ग्रेटर देन 0. तो b पर इंटरवल अपना क्या आएगा? b बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी. ये हमारा बी का सेट आ गया. अब ऑप्शन चेक कर लेने हम लोग को. तो ए ऑप्शन बोला गया बी प्लस 1/b इज ग्रेटर देन 5/2. नॉनसेंस. गलत इसलिए बिकॉज बी में नेगेटिव नंबर भी तो आ रहे हैं. बी में अगर कोई भी नेगेटिव नंबर डालेंगे तो बी प्लस 1/b नेगेटिव नंबर आएगा. तो ऑप्शन ए हमेशा ट्रू नहीं है. सिमिलरली बी प्लस 1/b इज ऑलवेज लेस देन 5/2 इज मोर नॉनसेंस, बिकॉज अगर मैं बी को 2 से बड़ा ले लूँ, सपोज मैं बी को 5 ले लूँ, तो 5 plus 1/5 5/2 से बड़ा हो जाएगा. ये ऑप्शन भी गलत हो गया. दहली बी स्क्वायर प्लस 1/b² कैन नॉट गो बियॉन्ड 4. ये 4 के बियॉन्ड नहीं जा सकता. सेम रीजन है यार, बी को 2 या 4 कुछ भी ले ले, 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले ले, तो ये 4 के बियॉन्ड चला जाएगा. तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. तो 4 में से 3 तो ऐसे रिजेक्ट हो गए. फिर भी मैं चाहूंगा सी को चेक किया जाए, क्या ये बी सारे के सारे बी सी को सेटिस्फाई करते हैं? तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं. बी स्क्वायर माइनस 3b + 2 ग्रेटर देन 0. फैक्टर्स के दिख रहे हैं बी माइनस 2 बी माइनस 1 ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से बी की बात की जाए तो बी पर इंटरवल आएगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी. ये बी का इंटरवल आ रहा है, यानी ये वाले बी जो होंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे. लेकिन क्या ये वाले सारे बी इसके अंदर आ रहे हैं? यस. तो जो अपना वाला बी आ रहा है वो पूरा का पूरा, देखिए 2 से इन्फिनिटी तो मैच कर रहा है, लेकिन अपना माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जा रहा है, और ये जो है माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जा रहा है.
तो ये वाला जो नीचे वाला बी है वो उसका सुपर सेट है, यानी अगर ये वाला नीचे वाला आंसर सी को सेटिस्फाई करता है देन डेफिनेटली ये वाला तो करेगा ही सही, है ना। तो 100% अपना आंसर क्या होना चाहिए, सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेट पी एक्स बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, ये भी एक क्वाड्रेटिक पर प्रॉब्लम है, सिंपल सी। देखिए इसमें जो के बी पी वाई में जो क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलिए कि जेई मेन्स के लेवल का होता है, बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं आती है, तो बेसिक लेवल की जेई मेन्स लेवल की प्रॉब्लम आती है। तो जो स्टूडेंट के बी पी वाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि वो अपने प्रिपरेशन को प्री आर एम ओ लेवल तक के लिए लेकर जाएं, क्योंकि के बी पी वाई में 20 में से एक या दो प्रॉब्लम अच्छी आ सकती है। तो अगर आपने ज्योमेट्री को एलजेब्रा को आपने अगर आपने प्री आरएमओ लेवल पर प्रिपेयर कर रखा है तो आप मान के चलिए आप जो उसकी जो वर्स्ट प्रॉब्लम होती है उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। पी एक्स आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं। तो मैंने सपोज कर लिया पी एक्स के रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, इस क्वाड्रेटिक के दो रूट मैंने सपोज कर लिए एम और एन, है ना। एक नया पॉलीनोमियल जी एक्स डिफाइन किया, जी एक्स इज व्हाट पी ऑफ एक्स क्यू, यानी एक्स को एक्स क्यू से रिप्लेस कर दो, जी एक्स आ जाएगा एक्स टू दी पावर 6 प्लस ए एक्स क्यू प्लस बी, ये आ गया। अब आपको इसके रूट निकालने, पी एक्स के रूट आपको पता थे, आपको इसके रूट निकालने, तो ऑब्वियस ही बात है जी एक्स आपने कैसे डिजाइन किया है, जी एक्स में आपने एक्स को एक्स क्यू से रिप्लेस किया है, तो जो पहले यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ रही थी वही वैल्यू किसकी हो जाएंगी, एक्स क्यू की। तो अगर जी एक्स से मुझे रूट निकालने तो एक तो बार मैं एक्स क्यू इक्वस टू एम को सॉल्व करूंगा और एक बार एक्स क्यू इक्वस टू एन को सॉल्व करूंगा, तो इस क्यूबिक से सिर्फ और सिर्फ एक रियल रूट आएगा एम टू दी पावर 1/3, बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। यहाँ से भी सिर्फ और सिर्फ एक रियल रूट आएगा, दो इमेजिनरी आएंगे। यानी जो जी एक्स 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है उस 6 डिग्री में से केवल और केवल दो रियल रूट आ रहे हैं, एम की पावर 1/3 एंड एन की पावर 1/3, और रिमेनिंग 4 रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, है ना। तो कौन सा पार्ट सही हो, जी एक्स इज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, पहला पार्ट बिल्कुल सही है, जी एक्स कैन हैव मोर देन 2 डिस्टिंक्ट, नॉनसेंस, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर अल्फा सच दैट जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। तो यार ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे जी एक्स देखिए इवन डिग्री का पॉलीनोमियल फंक्शन है ना, तो इवन डिग्री पॉलीनोमियल फंक्शन हो तो उसकी रेंज आपने पढ़ा होगा वो आर का रियल नंबर का सबसेट होती है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पर भी ये प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, प्लस इन्फिनिटी पर भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और जब भी अगर आप ऊपर से नीचे आएगा किसी भी पॉइंट तक आ सकता, हो सकता कुछ मैक्सिमम मिनिमा लेकर निकल रहा हो, है ना, कुछ मैक्सिमम मिनिमा आ रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम इन दोनों में से कोई मिनिमम हो सकता है, और जरूरी नहीं कि बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमा ले, कुछ ऐसे भी जा सकता है ग्राफ, है ना। तो ये आपके पास एक एब्सोल्यूट मिनिमा आ रहा है, तो कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा एक रियल नंबर अल्फा ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट जी एक्स की वैल्यू उससे नीचे नहीं जाएगी। तो आई थिंक ये वाला स्टेटमेंट भी 100% सही होना चाहिए, क्योंकि अगर इवन डिग्री पॉलीनोमियल फंक्शन है तो उसमें मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, थर्ड भी सही है, फाइनली दोनों कहाँ पर देख रहे हैं, बॉम्बे में, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत ही ऑर्डिनरी लेवल की प्रॉब्लम थी ये भी, बहुत ही बेसिक लेवल। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। लेट ए एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म 2 एन कॉमन डिफरेंस 4। ओके, एंड लेट एम एन बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी से प्रॉब्लम डिजाइन की हुई है। एम एन क्या है, एक एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का एवरेज है। तो एवरेज मीन्स वर्ड बचो एस एन अपॉन एन। तो आप एपी के एन टर्म्स का सम निकाल लीजिए, फॉर्मूला लगा दो एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू टी डिवाइडेड बाई एन। तो एन से एन तो कैंसिल कर दिया। अच्छा, एपी का फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो ए के प्लेस पर 2, 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, 2 अंदर से कैंसिल कर दिया, तो ये सीन क्या बनेगा, 2 प्लस 2 एन माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, इम्प्लाइज एवरेज एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का एवरेज 2n आ गया। अब इस एवरेज पर यार सिग्मा लगाना, एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन 10, therefore n varying from 1 to 10 mn, sigma n varying from 1 to 10 mn is what, 2n, 2 आप बाहर ले लीजिए, और sigma n का फॉर्मूला पता ही होता है n into n plus 1 by 2, और यहाँ पर n आपको 10 दिया हुआ है, 2 से 2 cancel, 10 into 11, 110, so correct answer is A।
तो ये भी बहुत ही बेसिक लेवल की प्रॉब्लम है, केवल सिंपल रिजल्ट्स पता हो, फॉर्मूला पता हो। नेक्स्ट, ये एक ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है। देखिए क्या करना है इसमें, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी एस सी, एंगल बी एस सी इज 90 डिग्री, ए डी इज द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन टू बी सी। ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल ए इज 90 डिग्री एंड बी सी इज द हाइपोटेनियस। ए डी इज द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन टू बी सी। ओके, AD is altitude from A onto BC. Draw DE perpendicular to AC. DE perpendicular to AC and DF perpendicular to AB. DF is perpendicular to AB. AB is 15. AB, the length AB is 15. The length of BC is 25. Then by the Pythagoras theorem, we know that 15, 20, 25 is a Pythagorean triplet. So no doubt, and the length of AC is clearly 20 with help of Pythagoras theorem. And now we have to find out the length of EF. We have to find out the length of EF, that is this one. Now look at this quadrilateral AEDF. Since all angles are 90, so first observation is AEDF. AEDF is a rectangle, and if AEDF is a rectangle, then EF is what? EF is actually the diagonal of this rectangle, and we know that the diagonals of rectangles are all equal. Therefore, we can say that EF is clearly equal to the second diagonal AD, and it is very simple to find out the length of AD. We can find AD by the area comparison method. So, area इसका दो manner से लिख देते हैं. इक्वेट कर देते हैं एरिया, इक्वेटिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई टू मैनर्स, है ना। तो एक बार वही लगा देते हैं, हाफ इंटू ए सी, ए सी मीन्स 20 इंटू हाइट मीन्स ए बी 15, और एक बार एरिया ऐसे निकाल लेते हैं, हाइपोटेनियस बी सी है और उस पर एल्टीट्यूड है ए डी, हाफ इंटू 25 इंटू ए डी, हाफ एंड हाफ कैंसिल आउट, एंड 5 4 25 5 25 5 3 15, ए डी इज क्लियरली वॉट, ए डी इज 12। तो यार रेक्टेंगल के डायगोनल की लेंथ 12 आई है, तो ऑब्वियसली ई एफ भी 12 ही होना चाहिए। तो वेरी वेरी ऑर्डिनरी प्रॉब्लम, करेक्ट आंसर इज ए, सॉरी यार। नेक्स्ट, द साइड्स ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल सेटिस्फाई द रिलेशन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab एंड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। ओके, वी हैव गिवन द साइड्स ए बी सी आर कनेक्टेड बाई दीज टू रिलेशन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल डी ए सी। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू इलिमिनेट द रोल ऑफ सी, आई वॉन्ट टू सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर इन द सेकेंड इक्वेशन, देन वॉट वी गेट फ्रॉम हियर, a square plus 2ab equal to 3b square. Okay, I can factorize this expression to get a relation between a and b using midterm spreading method. 3 1 3, we can write this 2ab as 3ab minus ab minus 3b square, taken out common a from here, we get a plus 3b, and b from the second pair. Therefore, factors are what? A minus B into A plus 3B equals to 0. But A and B are side lengths, so clearly this sum cannot be equals to 0. Therefore, we get a meaningful information from here. The side length A and B are equal. That is, the triangle ABC becomes isosceles. Now, I am going to use this relation here. Since c square equals to 2ab, so b is a, c square becomes 2a square, then c is what? C is a root 2, the third side becomes a root 2. Therefore, sides of triangle are, sides of triangle are a,
एंड ए रूट टू, देन डेफिनेटली दिस बिकम द राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल. दिस साइड इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज ए रूट टू. ओके, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी, बिकॉज साइड सी इज ए रूट टू. सो दिस एंगल इज 90 एंड रिमेनिंग टू एंगल्स आर 45 degree 45. दिस अ केस ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल. करेक्ट आंसर इज बी. ओके, मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. एंड दिस इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर थ्योरी एंड दिस इज एक्चुअली द बेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द पेपर. लेट एन विद अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट व्हेनेवर अ नॉन जीरो डिजिट सी इज रिटन आफ्टर द लास्ट डिजिट ऑफ एन द रिजल्टिंग नंबर इज डिवाइड बाय सी. क्वेश्चन को यार बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम, डिसेंट प्रॉब्लम है यार. इसमें बोला गया है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है और n की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप n के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट c लिखते हैं देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय c. तो पूरा नंबर जो है वो c से डिविजिबल होता है, है ना. आपको वो नॉन नंबर n पता लगाना है क्या है. तो आप कुछ ऐसे सोच सकते हैं, सपोज करो n जो है 235 है फॉर द टाइम में, कुछ भी सपोज कर लिया, और उसके बाद मैंने ये c लिख दिया, c और सप्लाई कर दिया, तो ये फोर डिजिट नंबर बन गया. लेकिन ये जो नंबर है 235C, ये C से डिविजिबल है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ C बिलोंग्स टू 1, 2, 3. C नॉन जीरो डिजिट है, यानी अगर मैं C को 1 लेता हूँ तो 235 1 से डिविजिबल तो होगा ही होगा. अगर मैं C को 2 लेता हूँ 2, 3, 5, 2 ये डिविजिबल होना चाहिए. 2 से अगर मैं C को 3 ले लेता हूँ तो 2, 3, 5, 3 से डिविजिबल होना चाहिए. मतलब C को वेरी कराते रहेंगे और ये नंबर डिविजिबल होता रहेगा. जैसे मैंने C को 6 ले लिया तो 2, 3, 5, 6 से डिविजिबल होना चाहिए. तो वो वाला n, यहाँ पर ये नंबर n का रोल प्ले कर रहा है, समझ रहे हो क्या. तो हमको यहाँ से n निकालना है, समझ गए बच्चों. तो अपने को क्या गिवेन है, एन सी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एन सी इज डिविजिबल बाई सी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सी बिलोंग्स टू इंटरवल 1, 2, 3 up to 9. सी कोई भी नॉन जीरो डिजिट है. अच्छा, बाय डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम एन सी को मैं लिख सकता हूँ 10n + c इज डिविजिबल बाई सी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सी बिलोंग्स टू. अच्छा, 1 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, सी को तो 1 से तो हर नंबर डिविजिबल होता है. 2, 3, 4 up to 9 सही है क्या. अच्छा, 10n + c c से डिविजिबल होना चाहिए. तो अब हम अगर सम की बात करें तो ये क्वांटिटी तो c से ऑलरेडी डिविजिबल है, तो फाइनली हमको ये लिखना चाहिए 10n मस्ट बी डिविजिबल बाय c और ऑल वैल्यूज ऑफ c बिलोंग्स टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. यानी C को मैं कोई भी वैल्यू दूं, है ना, तो 10n हमेशा, यानी n मुझे कुछ इस तरह से डिफाइन करना है कि 10n 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी हो, 4 से भी हो, 5 से भी हो, 6 से भी, 7, 8, 9 सभी से डिविजिबल हो, है ना. तो 10n अब सीधा किस डायरेक्टली n पे बनाना है, 10n ऐसे पिक करना जो 2, 3, 4, 7, 8, 9 सभी से डिविजिबल हो. लेकिन यार ये देखो, यहाँ पर 10 ऑलरेडी अवेलेबल है. 10 अगर अवेलेबल है तो ये 2 से तो डिविजिबल पहले से ही है, 2 से भी है और 5 से भी है ना. लेकिन मुझे इसको 2, 4, 8 सभी से, 2 से भी डिविजिबल बनाना था, 4 से भी बनाना था, 8 से भी बनाना था, है ना. तो मैं चाहता हूँ तीनों से डिविजिबिलिटी एक बार में ही आ जाए. तो तीनों से डिविजिबिलिटी एक बार में आने के लिए नेसेसरी है कि n, एक 2 तो अवेलेबल है यहाँ पर, लेकिन अगर मैं n को 4 से डिविजिबल ले लूँ, n को 4 से डिविजिबल ले लूँ, तो बताओ ये पूरी पिक्चर, 10n जो है 2 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी होगा और 8 से भी होगा. तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आ रहा है, n must be divisible by 4, है ना बच्चों. अगर n 4 से divisible होगा तो 2, 4, 8 तो क्लियर हो गया. चलिए अब 3 वाले केसेस पकड़ते हैं. 3 वाले केसेस कौन कौन से बच्चों, एक तो 6 है, 3 है, 6 है और 9 है. तो मैं चाहता हूं कि 10n 3 से भी divisible हो, 6 से भी हो, 9 से भी हो. तो मैं चाहूंगा कि अगर मैं n को 9 से divisible ले लूं, n को 9 से डिविजिबल ले लूं, क्योंकि 3 तो 10 में अवेलेबल है नहीं,
तो अगर मैं n को 9 से डिवाइड ले लूंगा तो 3 तो उसमें आएगा ही आएगा, 9 भी आएगा, और 6 इसलिए हो जाएगा क्योंकि 2 मैं 10 से कैरी कर लूंगा। तो n को डिविजिबल होने, n को 100% किससे डिविजिबल होना पड़ेगा, 9 से। तो देखिए अपने कौन कौन से नंबर यूज हो चुके हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8, 9 बचा है, सिर्फ और सिर्फ 7 बचा है। तो 7 को और ले लेते हैं। तो अगर मैंने n को 4 से भी डिविजिबल ले लिया, 9 से भी ले लिया, 7 से भी ले लिया, तो बस अपनी बात बन जाएगी। तो फिर उस केस में 10n जो होगा इन सभी वैल्यू से डिविजिबल हो जाएगा। तो प्रॉब्लम अच्छी थी, सिंपल प्रॉब्लम थी, बस पकड़ने वाली थी, है ना। तो अच्छा एक और बस फर्स्ट लाइन देखिए, n बी ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। n कैसा चाहिए भाई, इन तीनों नंबर से डिविजिबल होने वाले इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n, n की मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, दैट बिकम्स व्हाट, एलसीएम ऑफ 497। तो इनका एलसीएम क्या आ जाए, 36 इंटू 7 कुछ होता है क्या, 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 और 4 25, n is 252 and this is very very close to which I guess 235, randomly लिखा था, कुछ भी लिख दिया था, बहुत ही क्लोज है, 252 है ना, 252। लेकिन मेरे से फाइनल लाइन देखिए, हमसे n नहीं पूछा, सम ऑफ द डिजिट्स पूछा गया है, therefore सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n 2 + 5 + 2 = 257 or 2 = 9, therefore sum of digit is 9, correct answer is Agra। Next question, this question is based on statistics, mean median per question है। देखिए x1 x2 up to x11 be the 11 distinct positive integers if we replace the largest of these numbers by the median of the other 10 integers then। अगर हम लार्जेस्ट नंबर को बाकी 10 की मीडियन से रिप्लेस करते हैं तो मीडियन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और मीन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसको स्टडी करना है। देन विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन एज्यूम द ऑर्डर रिलेशन अमंग दीज 11 वेरिएबल्स, सपोज x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन अप टू x10 लेस देन x11, ठीक है ना। तो ये मैंने ऑर्डर रिलेशन सपोज कर लिया है। अच्छा बेटर रहेगा मैं सारे लिख देता हूँ, सारे लिखने से क्या रहेगा समझना थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 लेस देन x10 लेस देन x11। अच्छा मीडियन की डेफिनेशन जानते हैं आप, मीडियन इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट टर्म when data is arranged in ascending or descending order of magnitude, यानी data को हम अगर ascending या descending order में arrange कर ले तो उसके बाद जो middle most term होता है that is actually the median। तो 11 terms हैं तो obviously बात है middle में कौन सा आ रहा, x6। तो अभी जब तक हम कोई change नहीं कर रहे तब तक इस data की median क्या है, x6 median है, ठीक है ना। अब question क्या है कि if we replace the largest of these integers by the median of the remaining 10, तो हमने इसको चेंज कर दिया, इसको किससे चेंज कर दिया, बाय द मीडियन ऑफ द रिमेनिंग 10। तो ये जो 10 बच गए हैं बच्चों, इन 10 अगर डेटा में ये 10 एलिमेंट्स हैं तो इसकी मीडियन क्या होगी, तो मीडियन क्या होगी, इवन नंबर है तो मीडियन निकालने हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जस्ट हाफ एंड नेक्स्ट टू हाफ दो टर्म ले लेते हैं और इसका मीन निकाल लेते हैं। तो इन 10 का मीडियन आया है x5 + x6 / 2। और एक क्लियर ये जो नंबर आएगा, आपने पढ़ा होगा यार मीन, किसी भी डेटा का जो मीन होता है वो हमेशा डेटा के बीच में लाई करता है, और छोटे वाले नंबर से बड़ा होता है और बड़े नंबर से छोटा होता है। तो इसकी प्लेसिंग कहाँ पर आ जाएगी, इसकी प्लेसिंग इन दोनों के बीच में आएगी, यानी ये जो जब हम इसको इससे रिप्लेस करेंगे तो हमारा डेटा सेट कुछ ऐसा बन जाएगा, x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 लेस देन x5, और अब x5 और x6 के बीच में इसको एंट्री मिल जाएगी क्योंकि x5 और x6 से बीच में लाई करेगा, क्योंकि इन दोनों का मीन है, मीन हमेशा डेटा के बीच में लाई करता है, x7 x8 x9 और x10, है ना। तो 11 को तो हमने चेंज कर दिया है, तो अब हमारे पास ये 11 नंबर आ गया। तो अब हमारा जो मीडियन है, तो मीडियन मिडिल मोस्ट टर्म, तो ये पूरे 11 जो ऑब्जर्वेशन है उनका ही मीडियन आ गया है। तो एक्चुअली मीडियन पहले क्या था, पहले x6 था, और अब जो आ रहा है मीडियन इन दोनों के बीच में लाई कर रहा, तो ऑब्वियसली मीडियन डिक्रीज हो गया है,
है ना। तो मीडियन पे क्या चेंज है, मीडियन तो डिक्रीज हो गया है, लेकिन और मीन की बात कर लेते हैं। तो मीन एक्चुअली क्या होगा बच्चों, मीन इंक्रीज करेगा ना, मीन इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि जो हमने एक्स इलेवन को चेंज किया है, एक्स इलेवन को हमने इस नंबर से रिप्लेस कर दिया, और ये नंबर एक्चुअली एक्स इलेवन से काफी ज्यादा छोटा है, क्योंकि ये नंबर एक्स सिक्स से छोटा, तो एक्स इलेवन से तो और ज्यादा छोटा होगा, तो पूरा डेटा का सम चेंज हो जाएगा, यानी ऑब्वियसली मीन कम हो जाएगा, मीन बढ़ेगा नहीं। तो डी ऑप्शन भी गलत है, मीन सेम रहेगा, नॉनसेंस, एंड मीन इंक्रीजेज मोर नॉनसेंस। तो सिर्फ मीडियन डिक्रीज हो रही है, मीन भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मीन को डिक्रीज का कोई ऑप्शन नहीं है, तो सिंगल करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। द नंबर ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल्स पी एच सेटिस्फाइंग पी वन इक्वल टू टू, पी टू इक्वल टू फोर, पी थ्री इक्वल टू सिक्स, एंड पी फोर इक्वल टू एट। तो यार ये भी एक बहुत ही ऑर्डिनरी टाइप की प्रॉब्लम, इस तरह की बहुत सारी मोर देन 1000 प्रॉब्लम्स आप आगे जाके कैलकुलस एलजेब्रा में इस तरह की प्रॉब्लम पढ़ेंगे, और इवन पढ़ी भी होंगी आप लोगों ने। तो मेरे को बताना है एक क्यूबिक पॉलीनोमियल डिजाइन करना सेटिस्फाइंग दीज फोर कंडीशंस। तो मैं आपसे कहता हूँ बस लुक एट दीज थ्री कंडीशंस, केवल कोई भी तीन ले लें, जरूरी नहीं पहले तीन ले, आपकी चॉइस, आप कोई भी तीन ले लें। तो मैं केवल इन तीन कंडीशन पर फोकस कर रहा हूँ और इनके आर्ग्यूमेंट देख रहा हूँ, पी वन पी टू पी थ्री, है ना, और देख रहा हूँ वन पर वैल्यू टू आ रही है, टू पर फोर आ रही है, थ्री पर सिक्स, वन पर टू, टू पर फोर, थ्री पर सिक्स। तो कहीं ना कहीं इस तीन रिजल्ट से एक इसकी फील तो आ ही रही है, पी एक्स इक्वल टू टू एक्स आ रही है क्या, वन पर टू, टू पर फोर, थ्री पर सिक्स। लेकिन पी एक्स इज वॉट, पी एक्स इज ए क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल की डिग्री थ्री है, वन डिग्री का पॉलीनोमियल नहीं है। तो मैंने लेट कर लिया, इन तीनों कंडीशन को ऑब्जर्व करते हुए मैंने एक पॉलीनोमियल डिजाइन किया। थोड़ा केयरफुली देखिएगा कैसे मैं बना रहा हूं, x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स, मैंने ये पॉलीनोमियल डिजाइन किया है। आप चेक कर लीजिए, जैसे आप x को 1 डालेंगे, देखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ x माइनस वन ये टर्म जीरो हो जाएगा और केवल ये हाईलाइटेड रहेगा। x को 1 डालेंगे तो p1 2 आ जाएगा, या x को 2 डालेंगे देन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फैक्टर द क्यूबिक पार्ट बिकम जीरो एंड दिस पार्ट लीनियर पार्ट 2x से आपका आंसर 4 आ जाएगा। 3 पर भी सेम स्टोरी है, ये जीरो बना देगा, 3 पर वैल्यू 6 आ जाएगी। सही है क्या बच्चों, सही है। लेकिन इसको और जनरल फॉर्म में बोले तो देखिए, लीडिंग कोफिशिएंट, अगर हम जनरल क्यूबिक पॉलीनोमियल की बात करें तो लीडिंग कोफिशिएंट मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 1 2 5 व्हाटएवर कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक लीडिंग कोफिशिएंट लैम्डा अटैच कर दिया, ठीक है ना। अब अपने पास एक अनटच कंडीशन है पी फोर इक्वल टू एट, अब इसका रूल आता है पिक्चर में, इसकी अगर मैं लैम्डा निकालना चाहता हूँ, सो पुट एक्स इक्वल टू फोर हियर, तो P4 क्या बन जाएगा 8, लैम्डा 4 माइनस 1 इज 3, 4 माइनस 2 इज 2, 4 माइनस 3 इज 1, प्लस 2x बिकम्स व्हाट 8, 8 एंड 8 कैंसिल आउट। अच्छा ये कैंसिल आउट हो गया तो लैम्डा की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, नॉनसेंस, नॉनसेंस, मोर नॉनसेंस, बिकॉज लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज एक्चुअली द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पॉलीनोमियल। और आप जानते ही हैं यार, किसी भी पॉलीनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होता, बिकॉज अगर वो लीडिंग कोफिशिएंट अगर आपने जीरो कर दिया तो उसकी डिग्री चेंज हो जाती है। अगर डिग्री डिफाइंड करने के बाद कोई किसी पॉलीनोमियल की बात की जाए तो उसका लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होता है ना। तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया, लैम्डा जीरो आ गया, लैम्डा जीरो आने से फिर आपका ये जो पी एक्स है ये एक्चुअली इसी में ट्रांसफॉर्म होगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स एंड विच इज नॉट अ क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो ऐसा कोई क्यूबिक पॉलीनोमियल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो फाइनली अपना आंसर क्या होगा, जीरो, देयर इज नो सच क्यूबिक पॉलीनोमियल सेटिस्फाइंग दीज फोर कंडीशंस साइमल्टेनियसली। चलिए मूव करते हैं लास्ट प्रॉब्लम पर। ये भी एक नंबर थ्योरी की एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, देखिए क्या बोल रहे हैं। अ टू डिजिट नंबर ए बी इज कॉल्ड ऑलमोस्ट प्राइम, एक टर्म डिफाइन किया गया, किसी भी टू डिजिट नंबर को हम ऑलमोस्ट प्राइम बोलेंगे इफ वन ऑब्टेन्स अ टू डिजिट प्राइम नंबर बाई चेंजिंग एट मोस्ट वन ऑफ इट्स डिजिट ए एंड बी। तो किसी भी टू डिजिट नंबर को हम ऑलमोस्ट प्राइम बोलेंगे कब, जब दो में से ज्यादा से ज्यादा एक डिजिट को चेंज करके हम उसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दें, है ना। तो जैसे कि आप सपोज करिए 32 क्या ऑलमोस्ट प्राइम है, क्योंकि 32 में अगर मैं इस डिजिट 2 को 1 से चेंज कर दूं, 2 के प्लेस पे 1 डाल दिया तो ये प्राइम नंबर जनरेट हो गया।
अगर ये प्राइम नंबर बन गया तो इसका मतलब 32 को मैं ऑलमोस्ट प्राइम बोलूंगा। बच्चों डेफिनेशन समझिए, ऑलमोस्ट प्राइम हम तब बोलेंगे जब दो में से किसी भी एक डिजिट को चेंज करके हम उससे प्राइम नंबर जनरेट कर पाए। तो हमने बना दिया है 45 को आप ऑलमोस्ट प्राइम बोलेंगे, मैं बिल्कुल बोलूंगा, क्योंकि 5 को 1 से रिप्लेस कर दीजिए, 5 को 3 से रिप्लेस कर दीजिए, मतलब आप देखिए 40 वाली सीरीज में कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं, 41 आता है, 43 आता है, 47 आता है, तो 1 भी यूज कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, तो किसी से भी रिप्लेस करके आप उसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तब उनका क्वेश्चन है देन द नंबर ऑफ ऑलमोस्ट प्राइम टू डिजिट नंबर्स, तो टू डिजिट में कितने ऑलमोस्ट प्राइम नंबर्स होंगे, है ना। तो डेफिनेशन से आई थिंक आप फैमिलियर हो चुके हैं, चलिए काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन के साथ चलते हैं। तो पहले मैं फोकस करूंगा केवल 10 से 19 तक, 10 से 19 वाली इस सीरीज को ऑब्जर्व करो यार, और चेक करो क्या इस सीरीज में कोई प्राइम नंबर आता है। आता है डेफिनेटली, 11 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 17 भी है, 94,000 प्राइम नंबर है। तो ये जो आपकी सीरीज थी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, मैंने क्या काम किया, सभी को लास्ट जीरो को 1 से रिप्लेस कर दिया, ये एज इट इज कॉपी कर दिया। आप चाहो तो 1 को 7 से भी रिप्लेस कर सकते हो, चॉइस है आपकी। 12 को हमने 11 से रिप्लेस कर दिया, 13 को हमने 11 से रिप्लेस कर दिया, 11 सभी को 11 बना दिया। तो इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर अपने ऑलमोस्ट प्राइम बन गए, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या इस सीरीज में अगर एक भी प्राइम नंबर आता है तो उसे हमारी जॉब कंप्लीट हो जाती है। ऐसे आप देख लीजिए 20 से 29 में आप हर को सभी को 23 से रिप्लेस कर सकते हैं, 30 से 39 में कोई इस सीरीज में कोई प्राइम नंबर आता है, यस 31 आता है, तो सभी को 31 से रिप्लेस कर सकते हैं, 40 से 49 में 41 आता है, 41 से रिप्लेस कर सकते हैं, 47 से भी कर सकते हैं, 50 से 59 में कौन सा प्राइम नंबर आता है, आई थिंक 53 आता है, 53 से रिप्लेस कर दीजिए, 60 से 69 में 61 आता है, 61 से रिप्लेस कर सकते हैं, 70 से 79 में 71 तो आता ही है, 71 प्राइम नंबर है, 71 से रिप्लेस कर सकते हैं, 80 से 89 में कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं, आई थिंक 89 ही प्राइम नंबर है, हाँ 89, हाँ 89 प्राइम नंबर है, 89 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, 83 भी प्राइम नंबर है, आप 83 से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, और 90 से 99 के बीच में भी कोई प्राइम नंबर होना चाहिए, 91, 92, 93, 97 प्राइम नंबर आता है, तो इसमें हर नंबर को 97 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हर सीरीज में कोई ना कोई एक नंबर प्राइम का रोल प्ले कर रहा है, तो आप उससे रिप्लेस करके हर नंबर को आप ऑलमोस्ट प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइनली मेरा कमेंट क्या है कि टू डिजिट के जितने भी नंबर है, हर टू डिजिट नंबर को हम ऑलमोस्ट प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड हेंस सारे के सारे टू डिजिट नंबर हमारे ऑलमोस्ट प्राइम बन जाएंगे। तो टू डिजिट के बच्चों टोटल नंबर कितने होते हैं, 10 से लेकर 99 तक काउंट कर लीजिए, 90 नंबर आएंगे, है ना। तो इस तरह के फर्स्ट 10 प्रॉब्लम हमने आज के वीडियो में डिस्कस कर ली, और नेक्स्ट प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।